मुसलमानों से दूर रहिए, यही कहेंगे। ये धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ेगी। माता पिता को इस पिक्चर से सीख लेनी चाहिए, जो सनातन धर्म है, अपने बच्चों को कूट कूट के देनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मूवी तो ये रियलिटी है, मतलब ये हो ही रहा है, जो मूवी दिखाए ऐसा कुछ गलत नहीं है, तो ये सबको मूवी देखना चाहिए, जो भी है रियल है, रियल स्टोरी है, और को देखने आनी चाहिए। हाँ, बहुत फैक्ट दिखाया गया। हाँ, फैक्ट है। जितने लोग देखे हैं उनपे उनके दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट जो हमने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, लगभग एकदम तथ्यपरक सिनेमा है और इसको वास्तव में देखा जाना चाहिए। नहीं, चार किस्त तो हैं, ये तो सरकार भी जानती है। चार किस्त जो केरल के पाए गए हैं वहाँ पे विदेश में, वो तो सरकार, केंद्र सरकार जानती है उस चीज़ को, और SIT गठित जो होती है राज्य सरकार करती है, तो हो सके सरकार का हाथ हो उसमें। अभी हम लोग मौजूद हैं एक सिनेमा हॉल में, और आपको बताएं कि आज द केरला स्टोरी लगी है और तमाम इसको लेकर विवाद चल रहे हैं। ऐसे में ये मूवी कैसी है, जो लोग देख के आए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अर्पित। कैसी लगी मूवी? है अच्छी मूवी है। अच्छा, इस पे कई तरीके के सवाल उठ रहे थे, कह रहे थे कि अगर ये मूवी लगती है तो इससे धार्मिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं, जो सच्चाई है वही दिखाया गया। क्या दिखाया गया मूवी में? बस जो केरला की स्टोरी थी वही दिखाई गई है। अच्छा, ऐसा भी कहा गया है कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा लड़कियों का जो है वो धर्म परिवर्तन कराया गया है। हाँ, स्टोरी के हिसाब से यही दिखाया गया। और किस तरीके की? और इसमें ये भी है कि आतंकी संगठनों से लड़कियां जुड़ जाती हैं। चार लड़कियों की स्टोरी है जो आतंकी संगठनों से जुड़ जाती है। यही स्टोरी और यही दिखाया गया। क्या लगता है कि इससे जो समाज पर कुछ असर पड़ने वाला है या धार्मिक स्थिति को देखा जाए? जितने लोग देखे हैं उनपे उनके दिमाग पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। कैसी लगी मूवी? क्योंकि मूवी को देखा जा रहा था कि बैन कराने की भी मांग थी और तमाम जो सीन है वो कट किए गए। अब जो सीन कट किया गया उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी मूवी दिखाई गई है, जो हमने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, लगभग एकदम तथ्यपरक सिनेमा है और इसको वास्तव में देखा जाना चाहिए। ये बताइए सर, कहा जा रहा था कि ये मूवी अगर रिलीज होती है तो धार्मिक सद्भाव जो है वो समाज में बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ेगी। माता पिता को इस पिक्चर से सीख लेनी चाहिए, जो सनातन धर्म है, अपने बच्चों को कूट कूट के देनी चाहिए कि अगर मेरे धर्म के बारे में मेरे बच्चों को कोई बरगला न सके, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो अपने धर्म से कहीं विमुख ना हो, ये पिक्चर सीख देती है। और हमारे जैसे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कार या धर्म के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, धर्म की घुट्टी उनको पिलानी चाहिए कि मेरा धर्म सनातन धर्म है, कोई कितनों बरगला है उसको आप विमुख मत होइएगा। ये मैम क्या नाम है आपका? अनुपमा सिंह। मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। एवरी इंडियन हैव टू सी दिस मूवी। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, 2 मिनट सपोर्ट कर दीजिए, कैसी लगी मूवी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है मैम आपका? आराध्या सिंह। कैसी लगी मूवी आप? बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इससे ये था कि जो लड़कियों को जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जबरन, इस स्टोरी में देखने के बाद क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं समाज में? मुसलमानों से दूर रहिए, यही कहेंगे। मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। इस समाज में जब इस तरीके की मूवी निकलती है तो क्या समाज में जो सद्भाव है वो बिगड़ता है? देखिए, मूवी थोड़ी मैनिपुलेटिव है एक समाज की तरफ, लेकिन मूवी को बहुत अच्छे दर्शाया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया। और उस कारण भाई 18 साल गया, मतलब भाई देख रहे हैं ना। ये बताइए क्या नाम है आपका? अंश। कैसी लगी मूवी आप? बहुत बढ़िया मूवी थी, हाँ एकदम अच्छी मूवी। इसमें बैन करने के मांग उठ रहे थे, क्या बैन करनी चाहिए मूवी? देखिए, जो एक्चुअल स्टोरी है केरला की, जो एक्चुअल स्टोरी है उसको यहाँ पे दिखाया गया, पब्लिश किया गया, और ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी कंट्री में अगर कोई चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसको पब्लिश करके लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उसको गलत को होने के लिए ऑफिसर्स या लाइक पीपल लेवल पे उसको रोका जाए, ताकि इसकी बात पार्लियामेंट में चली कि अगर किसी स्टेट में कुछ गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको क्या किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, ताकि ये चीज़ें। मूवी में क्या क्या दिखाया गया? एकदम रियलिटी, जो केरल में हुआ है और हो रहा है अभी तक। अच्छा, मूवी में दावा किया जा रहा था तकरीबन 32,000 जो युवतियां हैं वो गायब हो गई। एक्चुअली उस मूवी में लास्ट में दिखाया गया, RTI के थ्रू उन्होंने रिपोर्ट मांगा है, उसमें दिखाया गया है, तो ये एकदम ये सच बात है, कोई झूठ वूट नहीं है। अच्छा, युवतियां जो है वो आतंकी संगठन से जुड़ जाती हैं? एकदम सही बात, उनको ऐसा कन्वर्जन किया कि उनका माइंड जो था ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आपको इस्लाम कबूल करना है, कुछ ऐसी निगेटिविटी दिखा दी जाती है हिंदुइज्म के प्रति कि वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में। तो इस
तरीके की जब मूवी निकलती है तो लोग कह रहे हैं कि जब जो भी याचिकाएं दायर हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की मूवी निकलती है तो धार्मिक सद्भाव जो है वो बिगड़ेगा। कोई नहीं बिगड़ेगा सर, आप पहले मूवी तो देखिए, पहले आप मूवी देख लीजिए उसके बाद कहिएगा कि धार्मिक सद्भाव ना बिगड़े। डोंट टेक द मूवी अदरवाइज, मूवी को अन्यथा ना लें। मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो रियलिटी दिखाया गया। इसी तरीके का कोई दिक्कत समाज में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग चाह करके बिगाड़ेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो दिखाई गई है इसमें। मद्रास हाई कोर्ट ने इस जो याचिकाएं दायर की गई थी वो जो है खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि समय से आइए और तब उस पर फैसला होगा। अब मूवी के रिलीजिंग डेट है तो अब जो है फैसला नहीं हो पाएगा। इसमें 14 जो है कट सीने भी लगाई गई है। अब वो कट सीने क्या है वो हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन जो देखा गया है, जो बताया गया है, वो सही चीजें बताई गई हैं। एकदम रियलिटी, नो फेक, नो अदरवाइज कोई ऐसी न्यूज जिससे आपके सांप्रदायिक दंगे हों वगैरह वगैरह हों। एकदम भाईचारा वाली फिल्म है। मस्ट वॉच। क्या नाम है मैम? तृप्ति। अच्छा, युवतियों को जो है एक कॉलेज में रहती हैं, फिर उनको जो है आतंकी संगठनों से जुड़ जाती हैं। इस तरीके से देखकर मूवी क्या लगा आपको? मूवी तो ये रियलिटी है, मतलब ये हो ही रहा है, जो मूवी दिखाया ऐसा कुछ गलत नहीं है, तो ये सबको मूवीज देखना चाहिए। और फिर मतलब कई लोगों का ये कहना है, जो याचिकाएं जो है कोर्ट में चल रही हैं उनमें ये कहना है कि ये जो मूवी आएगी, अब तो रिलीज हो गई है, तो इससे जो है धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा समाज में। इस तरीके से लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा कि जागरूक होंगे लोग, और लड़कियों को जागरूक होना चाहिए, ऐसे चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। मूवी सही है और ऐसा कोई तमाम जो लड़कियां हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है उनको लेकर क्या कहना चाहिए? ये पेरेंट्स के ऊपर है। पहले से इस मूवी में सीन भी दिखाया हुआ है कि पेरेंट्स को खुद हमें भी अपने रिलीजन के बारे में मतलब कि लोगों को पता होना चाहिए, कोई ब्रेन वॉश ना कर पाए। पेरेंट्स के ऊपर होता है कि हम उनको क्या बता रहे हैं बच्चों को, और क्या कोई कैसे ब्रेन वॉश कर देगा अगर हम पहले से ही उनको अपनी चीज़ों के बारे में बता के रखेंगे तो। अच्छा, केरला स्टोरी जब मूवी आई तो इस पर काफ़ी विवाद चला और लोगों का एक परसेप्शन बन चुका था कि ये मूवी जो है वो गड़बड़ है, इसको देखने नहीं जाना है, तो तमाम लोगों के अंदर जो परसेप्शन बना था उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो भी है रियल है, रियल स्टोरी है और लोगों को देखने आनी चाहिए। हाँ, बहुत फैक्ट दिखाया गया। हाँ, फैक्ट है। चलिए, हम लोग अभी ये पहला शो था, एडी मॉल में मौजूद थे और तमाम दर्शक जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। एक और भाईजान मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत त्रिपाठी है और मैं लड़कियों से अपील करूंगा इस मूवी को आके देखें और अवेयरनेस लाएं अपने अंदर। अच्छा, कई लोगों का ये कहना है कि लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया था। हाँ, इस पिक्चर में दिखाया है ब्रेन वॉश, जिन लड़कियों के बारे में अपने जैसे हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, उनका ब्रेन वॉश करके दूसरे पर्टिकुलर जो मजहब के लोग हैं वो बताते हैं मेरा जो मजहब है ये सुप्रियर सबसे बड़ा है, इसमें अल्लाह हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और याचिकाओं में ये भी कहा गया, SIT जब जो है जांच की तो तमाम जिलों में गई, मद्रास के तमाम जिलों में गई, वहाँ पे धर्म परिवर्तन जैसा कुछ चीज़ पाया नहीं गया। नहीं, 4 केस तो हैं, ये तो सरकार भी जानती है। 4 केस जो केरल के पाए गए हैं वहाँ पे विदेश में, वो तो सरकार, केंद्र सरकार जानती है उस चीज़ को, और SIT गठित जो होती है राज्य सरकार करती है, तो हो सके सरकार का हाथ हो उसमें। और जो तमाम लोग जैसे BGN हुए वहाँ के मुख्यमंत्री और शशि थरूर कांग्रेस के, तो ये सब लोग जो है पिक्चर को बैन करने की मांग को लेकर भी याचिकाएं दायर की हुई। उन्हें ये लगता है इस पिक्चर से भाईचारा खराब होगा, जो कि नहीं है। कहीं भी कोई सत्य घटना अगर है तो उसको दिखाना चाहिए, समाज में आना चाहिए, इससे और भाईचारा बढ़ेगा, जागरूक जनता होगी। और लड़कियों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आके इस पिक्चर को देखें। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मौजूद थे एडी मॉल सिनेमा में और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और अपना अपना प्रतिक्रिया दिए कि इस जो मूवी निकली है द केरला स्टोरी, इसको लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, चूंकि अब देख के निकले हैं तो उनसे बेहतर कोई और नहीं जान पाएगा। टीजर में जिस हिसाब से दिखाया गया था उसी तरीके की मूवी है, लोगों ने कहा ये फैक्ट है और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और युवतियों के जो है लड़कियों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं और उसी तरीके से समाज जो है आगे बढ़ रहा है, तो लड़कियों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अभी भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी कहा कि लड़कियों से आग्रह करता हूँ ये मूवी आके देखें और तमाम तरीके की जो निगेटिविटी फैली हुई है समाज में उसको दूर करने में मदद करें। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर पोस्ट।